100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। रुद्रपुर में सरकारी कर्मचारी ने इंसानियत का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। सीपीयू में तैनात धीरज सागर ड्यूटी करते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और साथ ही गरीबों जरूरतमंदों को जरूरत का सामान भी पहुंचा रहे हैं। धीरज सागर ने लाइव 24 की टीम को बताया कि ड्यूटी करने के बाद जैसे ही समय मिलता है वो गरीबों तक भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करके उन्हें अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं आज एक बार फिर रुद्रपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके लिए लेकर आ गया हूं और आज कोई चेकिंग की बात नहीं होगी, कोई पुलिस किस प्रकार कार्रवाई कर रही है इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। आज हम आपको बताएंगे कि इंसानियत वर्दी में किस तरीके से निभाई जाती है। तो उस महान शख्सियत से मिलाने से पहले मैं चार लाइनें अर्ज करना चाहूँगा कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, तो जीना इसी का नाम है। तो इन लाइनों को चरितार्थ करते हुए अब मैं आपको उस महान शख्सियत से मिलाना चाहूँगा। तो मैं उनका परिचय आपको नहीं दूंगा, मैं सीधा आपको उनके पास लेकर चलता हूं और उन्हीं से जानेंगे कि वो किस प्रकार से इंसानियत को वर्दी में रहते हुए निभा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 24 में। और पहले आप बताइए कि आप रुद्रपुर में क्या, आप कहाँ पर पोस्टिंग हैं और क्या आपकी ड्यूटी है? हाँ सर, नमस्कार, धन्यवाद सर आपका लाइव चैनल का, लाइव 24 चैनल का, और आपके द्वारा भी लॉकडाउन में काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा था और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप वर्दी में ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन है और कानून बड़ा सख्त है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इस समय पे जनता घर में रहे और जो लोग नहीं मानते तो आपको कई बार उनके लिए प्रति सख्त भी होना पड़ता है, उस बीच में आप किस प्रकार से इंसानियत को निभाते हुए लोगों तक भोजन पहुँचा रहे हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ सर, अब समय तो ये चल ही रहा है बुरा, जो कोरोना बीमारी जो चल रही है काफ़ी ही सीरियस है, और इस बीच हम सबको मिलकर जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। और सर, मुझे भी थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिलता है ड्यूटी के बाद तो मैं ये काम करता रहता हूँ। देखा गया है कि कई बार आप ड्यूटी पर होते हैं, चौक पर होते हैं, तो उस समय कोई आ जाता है तो आप ड्यूटी निभाते हुए भी उन तक भोजन की व्यवस्था करते हैं और सैनिटाइज़र भी करते हैं, तो इसके लिए कुछ आपके लोग हैं या मतलब किस प्रकार से आप ये कार्य करते हैं? हाँ सर, ये कार्य ऐसा है, देखिए अभी लॉकडाउन का समय है तो सर जितनी भी होटल ढाबे सब बंद है सर, कोई आदमी कहाँ से आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कब का भूखा है, कब का नहीं, तो सर जितना हो सकता है हमसे उनको पहले रोक के सैनिटाइज करके उनको खाना खिला के फिर आगे के लिए भेजा जाता है। और आप कुछ संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से आपने कार्य करना है और क्या काम करना है? हाँ सर, संदेश तो यही है, जैसे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित। तो ये थे हमारे साथ सीपीयू में कार्यरत धीरज जी, जो कि ड्यूटी पर रहते हुए इंसानियत निभा रहे हैं और गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं। तो मेरा भी आप सबसे अनुरोध है कि जानवरों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को खाना भोजन ज़रूरत का सामान पहुँचाए, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में एक इमरजेंसी की तरह लागू हो गई है।